हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन स्टैक। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एल्ट ओजी प्रो स्मार्ट वॉच के बेस्ट 5 फीचर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1999 रुपये में ये स्मार्ट वॉच क्यों आपको बाई करनी चाहिए, क्या क्या फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्लैडिएटर स्मार्ट वॉच, इंगेज स्मार्ट वॉच, सुपरनोवा स्मार्ट वॉच और उसके साथ साथ एल्ट की भी कुछ यहाँ पे स्मार्ट वॉच है जिनका मैंने डिटेल रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखा है। लेकिन इस प्राइस पे देखा जाए तो ये स्मार्ट वॉच इन सभी स्मार्ट वॉच से काफी ज्यादा बेस्ट निकल कर आ जाती है। तो किस रीजन से बाई करना चाहिए, सारी चीज को यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ, कुछ प्रीव्यू को भी दिखाऊंगा यहाँ पे। और आपके मन में कोई सवाल या डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहां पर हम लोग डिटेल बातें कर सकते हैं। तो वीडियो समझ में आएगी और अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट कंपेरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूं। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले बात करें नंबर वन फीचर के बारे में, वो है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन को लेकर। 1999 रुपये में आपको बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन काफी ऑसम जो है देखने को मिल जाएगी। ये आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा का डिटो कॉपी जो है देखने को मिल जाएगा। तो 2000 रुपये में देखा जाए तो मेटल फ्रेम की बॉडी मिलेगी और यहाँ पे रिपल स्टेप जो है देखने को मिल जाएगा और स्टेप को आप इजिली रिमूव भी कर सकती हो। तो यहाँ पे आपको स्टेप की क्वालिटी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, मेटेलिक फ्रेम देखने को मिल जाएगा, दो बटन मिल जाएंगे, एक है सर्कुलर क्राउन रोटेटरी बटन और दूसरा यहाँ पे फ्लैट टैप नेविगेशन बटन। और यहाँ पे आपको मेटल की शीट भी देखने को मिल जाएगी जो कि काफी अट्रैक्टिव यहाँ पे लग जाता है। लेकिन अगर डायल देखा जाए तो काफी डायल यहाँ पे आपको थिक जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे थिन व्रिस्ट के लिए ये स्मार्ट वॉच थोड़ी सी आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जिनका व्रिस्ट यहाँ पे बल्की टाइप का है तो उनके लिए ये स्मार्ट वॉच काफी ज्यादा बेस्ट निकल कर आ जाती है। तो थिन यहाँ पे नहीं लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन बोल्ड व्रिस्ट के लिए काफी ज्यादा बेस्ट निकल कर आ जाती है। बात करें इस स्मार्ट वॉच के दूसरे मेन फीचर के बारे में, वो है डिस्प्ले साइज और क्वालिटी को लेकर। इसमें आपको 1.93 इंच की TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको TFT डिस्प्ले मिल रही है, लेकिन पिक्सल रेजोल्यूशन इसका आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। 320x380 का पिक्सल रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिल जाएगा, 500 nits का पिक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट जो है दिया गया। तो विजिबिलिटी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी और उसी के साथ साथ इसमें आपको मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट जो है दिया गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, TFT तो दिया गया लेकिन पिक्सल रेजोल्यूशन अच्छा खासा दिया गया, तो यहाँ पे मैनेज हो जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी अगर 2000 रुपये के रेंज में देखा जाए। फ्रेंड्स, बात करें इसके तीसरे मेन हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, वो है ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर। तो 2000 रुपये में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग जैसा फीचर भी मिल रहा है, यानी इनबिल्ट माइक, स्पीकर, डायल पैड, कॉन्टेक्ट से कॉल हिस्ट्री का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा। तो कॉल वगैरह पे भी बात कर सकोगे, साथ ही साथ में 7 से 10 कॉन्टेक्ट सेव भी अपनी स्मार्ट वॉच पे ही कर सकते हो। और यहाँ पे बात करें थोड़े से सेटिंग के बारे में, तो लोग पूछते हैं कि नाम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि नहीं, तो जो आपके फोन में सेव रहेगा वही वहाँ पे आपको शो करेगा। अब फ्रेंड्स, बात करें चौथे मेन हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, वो है यहाँ पे आपको QR कोड का सपोर्ट। तो इसमें आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी QR कोड्स आते हैं सारे यहाँ पे सपोर्ट करने का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है और उसी के साथ साथ UPI QR कोड का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो और उसी के साथ साथ इनबिल्ट कैलकुलेटर का भी फीचर मिल रहा है, तो कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हो। इनबिल्ट वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर मिल रहा है, तो गूगल के साथ साथ सीरी को जो आप इजिली एक्सेस कर सकते हो, और इनबिल्ट गेम का भी फीचर जो है दिया गया। तो यहाँ पे आपको चौथे फीचर में देखा जाए तो QR कोड का सपोर्ट मिल जाएगा, इनबिल्ट कैलकुलेटर, गेम, वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे वाइब्रेशन अलर्ट का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो सेटिंग में यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम कर सकते हो। फ्रेंड्स, बात करें पांचवें फीचर के बारे में, तो पांचवें फीचर में बैटरी बैकअप, स्मार्ट नोटिफिकेशन और IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिल रहा है। तो पानी में आप फुली यूज तो नहीं कर सकते हो, पानी में अगर देर तक यूज करोगे तो खराब हो जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का पसीना, बौछार वगैरह लग जाते हैं जिम करते हो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। 7 to 10 days का यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है, लेकिन हैवी यूज करते हो तो 2 से 3 दिन का मैक्सिमम बैकअप यहां निकल कर आ जाता है। कोई भी स्मार्ट वॉच लोगे तो 2 से 3 दिन का यहां पे मैक्सिमम बैकअप जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे भी आपको 1 से 2 दिन का बैकअप देखने को मिल जाएगा, स्मार्ट फीचर और स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट का सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन क्विक रिप्लाई का ऑप्शन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, ये कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा इसी एल्ट ओजी प्रो स्मार्ट वॉच में। लुक देखा जाए तो लुक काफी कमाल का यहां पे निकल कर आ जाता है। 2000 रुपए के रेंज में देखा जाए तो यहां पे ग्लैडिएटर स्मार्ट वॉच आपको 2000 रुपए में नहीं मिलेगी और पेबल कॉस्मोस इंगेज भी आपको 2000 रुपए में नहीं मिलेगी। और उसी के साथ साथ देखा जाए अदर स्मार्ट वॉच को, तो फायरबोल्ट यहाँ पे सुपरनोवा क्या था कि आपको एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा था, लुक और फीचर तो अच्छा था लेकिन प्राइस भी इसकी बहुत ही ज्यादा हाई निकल कर आ जाएगी। इस समय करंट में 4400 रुपए है, लेकिन बाद में ऑफर वगैरह में भी चेक करोगे तो 3000 से नीचे तो नहीं मिलेगा। तो मैं तो बोलूंगा कि अगर आप परचेस करने की सोच रहे हो तो एल्ट ओजी प्रो स्मार्ट वॉच आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट निकल कर आ जाती है 2000 रुपए के रेंज में। तो आपका बजट 2000 रुपए है तो आप इसको बिल्कुल यहाँ पे परचेस कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा वर्थ है इस प्राइस पे। आई होप आपको समझ में आएगी। अगर आपको मन में कोई सवाल या डाउट होगा तो आप नीचे को
बॉक्स में जरूर पूछ सकती है, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहां पर हम लोग डिटेल बातें कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी, अगर समझ में आएगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूं और आपके बजट के हिसाब से बताते रहता हूं कि आपका जितना पैसा लग रहा है उस हिसाब से प्रोडक्ट जो है वर्थ है, यानी आपको लेना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अनबॉक्सिंग, तब तक के लिए जय हिंद।